नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं उरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्र मना रहा है लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर अर्पित की पुष्पांजलि। आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों से मिलकर लड़ने की अपील। केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सेवा का किया शुभारंभ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने राष्ट्रीय एकता मार्च का किया नेतृत्व। राजभवन के कर्मियों को दिलाई राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ। कहा आजादी के बाद राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान अविस्मरणीय। अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी। राज्य भर में 127 परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। राष्ट्र आज लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। ये दिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देसी रियासतों के विलय के बारे में सरदार वल्लभ पटेल ने कहा था कि इनके अभूतपूर्व सहयोग से भारत एकीकृत हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया स्थित विश्व के सबसे ऊंचे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की भी सलामी ली। भारतीय वायुसेना ने इस अवसर पर फ्लाइट पास्ट प्रस्तुत किया। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में आयोजित एकता दिवस परेड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की शांति और संपन्नता के लिए विश्व समुदाय की एकता आवश्यक है। श्री मोदी ने सुरक्षा बलों से राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से देश की और खुशहाली के लिए एकजुट होने की अपील करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से शुरू किए गए राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम के बाद 6 वर्षों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की मजबूती के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश की सैकड़ों रियासतों को, राजे रजवाड़ों को एक करके देश की विविधता को आजाद भारत की शक्ति बनाकर सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया। 2014 में हम सभी ने उनके जन्मदिन को भारत की एकता के पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। इन 6 वर्षों में देश ने गांवों से लेकर महानगरों तक, पूरब से पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। सरदार सरोवर डैम के साथ जुड़ा हुआ ये भव्य निर्माण एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, नए भारत की प्रगति का तीर्थ स्थल बन गया है। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी अवरोधों को दूर किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर अब विकास के मार्ग पर अग्रसर है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र भी शांति समझौते के बाद विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों, मजदूरों और गरीबों की भलाई के लिए काम कर रही है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि देश रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। जो बाधाएं आ रही थी उन्हें पीछे छोड़कर अब कश्मीर विकास के नए मार्ग पर बढ़ चुका है। चाहे नॉर्थ ईस्ट में शांति की बहाली हो या नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए उठाए जा रहे कदम, आज देश एकता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज हम 130 करोड़ देशवासी मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जो सशक्त भी है और सक्षम भी हो, जिसमें समानता भी हो और संभावनाएं भी हो। आज देश रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, सीमा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल को याद करते हुए उन्होंने देशवासियों से राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास में योगदान देने की अपील की। राजभवन ईटानगर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने राष्ट्रीय एकता मार्च का नेतृत्व किया और उपस्थित कर्मियों को शपथ दिलाई। राज्यपाल ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज़ादी के बाद राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि देश की आज़ादी में बहुत से लोगों ने योगदान दिया और पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का पटेल जी का कार्य सदैव याद किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में राजभवन के अधिकारियों, कर्मचारियों और आईटीबीपी के जवानों ने भाग लिया। वाकई जेन्युइन और बोल्ड अगर किसी का योगदान है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कि अगर यह नहीं होते तो कितने हमारे पास स्टेट होते, पिछली स्टेट इंडिया में, और इंडिया का नक्शा क्या होता। आज हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, शायद ये कल्पना उन्होंने 1947 15 अगस्त हमारा तिरंगा झंडा फहराने के पहले उन्होंने इमेजिन किया। हम इसको आगे बढ़ाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली सी प्लान सेवा की शुरुआत की। ये सेवा केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को अहमदाबाद से साबरमती रिवर फ्रंट से जोड़ेगी। श्री मोदी ने केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नज़दीक वाटर एरोड्रोम का उद्घाटन किया और केवड़िया से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लान में पहली उड़ान भरी। केवड़िया से साबरमती के बीच शुरू हुई सी प्लान सेवा का एक तरफ का किराया 1500 रुपये रखा गया है। इसके जरिए 200 किलोमीटर का सफर महज 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। वहीं सड़क मार्ग से इस दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। सी प्लान पानी और ज़मीन पर लैंड कर सकता है और इसके लिए रनवे की ज़रूरत नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवा प्रोबेशनरों का आह्वान किया है कि वे लोगों के साथ खुद को जोड़े और जवाबदेह बने। आरंभ 2020 के तहत स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवा अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार उत्तरदायी है और युवा अधिकारियों को स्वयं को आम लोगों के साथ जोड़ना चाहिए। उन्होंने प्रोबेशनर लोक सेवकों से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने और वोकल फॉर लोकल को अपनाने की अपील की। मसूरी में लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रोबेशनर लोक सेवक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री से जुड़े थे। विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण कालखंड में आप है, जिस समय आप सिविल सेवा में आए हैं, वो बहुत विशेष है। आजादी के 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच के ये 25 साल भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है और आप वो भाग्यशाली पीढ़ी हो, आप वो लोग हैं जो इन 25 वर्षों में सबसे अहम प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हिस्सा होंगे। अगले 25 वर्षों में देश की रक्षा, सुरक्षा, गरीबों का कल्याण, किसानों का कल्याण, महिलाओं, नौजवानों का हित, वैश्विक स्तर पर भारत का एक उचित स्थान, बहुत बड़ा दायित्व आप लोगों पर है। हम में से अनेकों लोग तब आपके बीच नहीं होंगे, लेकिन आप रहेंगे, आपके संकल्प रहेंगे, आपके संकल्पों की सिद्धि रहेगी। अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की 1 नवंबर को आयोजित होने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रीलिम्स के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्यभर में 26,459 उम्मीदवारों के लिए 15 जिले में 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। APPSC के सचिव AR तलवड़े ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुपरिंटेंडेंट के अलावा सभी कक्ष में 2 निरीक्षक लगाए जाएंगे। परीक्षा प्रारूप के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होगी और शाम 3 बजे तक चलेगी। पब्लिक सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी 2020 ऑन 1 नवंबर 2020। देयर विल बी 2 सेशंस, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 स्टार्ट्स फ्रॉम 9 AM टू 11 AM and paper 2 starts from 1 p.m. to 3 p.m. and the paper 1 is the merit paper, that marks of the paper 1 amounts for the merit of the candidates to qualify for the mains examinations, whereas the paper 2, the CSAT, is only a qualifying. There the candidates have to score the 33%. The purpose of this examination is to recruit the very prestigious services like circle officers, DYSP, and district disaster management officer, assistant director, labor officer, like that. So based on the past experience, in the past there is a lot of controversy happened in the conduct of the examinations. Here in Arunachal Pradesh, mostly the students and the citizens of Arunachal Pradesh, they are very apprehensive about conduct of this examination. So based on the shortcomings, whatever the mistakes happened in the past, we have taken all the precautions this time. We hope the examination will be conducted in a very error-free manner, in a very transparent manner, in a free and fair manner. अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 84 नए मामले दर्ज किए गए और 154 रोगी स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,938 है और अब तक 12,777 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 37 व्यक्तियों की कोविड से मृत्यु हुई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार शुक्रवार को दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 37, अंजाव से 6, अपर सुबनसिरी, अपर सियांग, वेस्ट सियांग और नामसाई से 5-5, लोहित और सियांग से 4-4, ईस्ट सियांग और तिराप से 3-3, चांगलांग, तवांग, कामले, लोंगडिंग, लोअर सुबनसिरी, पापुमपारे और वेस्ट सियांग से 1-1 मामले शामिल हैं।
देश में कोविड 19 से ठीक होने वाले की दर बेहतर होकर 91.34% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 59,000 से अधिक कोविड से स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक इस संक्रमण से 74,32,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में कुल 5,82,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 48,268 नए मामले सामने आने से इस महामारी से कुल मामले 81,37,000 को पार कर चुके हैं। इस समय देश में मृत्यु दर 1.49% है। पिछले 24 घंटों में 551 मौतों के साथ इस संक्रमण से अब तक 1,21,641 लोगों की मौत हो चुकी है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।